सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर करने वाले हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। दोस्तों इसमें से बहुत से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इनमें से आने की संभावना है। ये जो टॉपिक है दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला हो सकता है, काफ़ी दोस्तों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ ये क्वेश्चन सभी करके दिखाऊँगा और बताऊँगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन हम बिल्कुल से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें हम आपको 10 यूनिट पीडीएफ स्टडी नोट्स दे रहे हैं। इसके अलावा 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर पीडीएफ दे रहे हैं और इसके साथ साथ 10 यूनिट ऑल थ्योरेटिकल वीडियोस दे रहे हैं। और साथ में दोस्तों हम आपको जून 2012 में 10 शिफ्ट के टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर क्वेश्चन भी दे रहे हैं। अगर किसी दोस्त को ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए, नंबर हमने नीचे दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जून 2013 में एक क्वेश्चन आया था। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक निगमनात्मक तर्क मान्य नहीं हो सकता। इसमें बताना है कि हमारा जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो कौन सा वैलिड नहीं होगा, वो इसमें से हमें बताना है। तो इसमें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो यही हम इस वीडियो में करेंगे। और उसके बाद जैसे ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था, एक निगमनात्मक तर्क अवैध होगा। यहाँ पे इन्होंने इनवैलिड पूछ लिया और यहाँ पे इन्होंने वैलिड पूछ लिया था। वैलिड कौन सा होगा, यहाँ पे इन्होंने इनवैलिड पूछ लिया। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लगभग सेम है। इसमें भी ये कहा है कि आधार वाक्य सही और निष्कर्ष सही है, इसी तरह की बातें इसमें कही गई है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान देना ज़रूरी है और यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट होता है। अब देखिए ये जैसे इन्होंने जुलाई 2016 में दिया है, इन्होंने वही दोबारा फिर बात कही है कि निगमनात्मक तर्क यानी कि डिडक्ट आर्ग्यूमेंट है इनमें से कौन सा सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बाद में भी आया है, 2017 में भी आया, 18 में भी आया और 19 में भी आया है। इवनिंग की जो वीडियो होगी उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, विद हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले हमें डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं। देखिए आर्ग्यूमेंट जो होते हैं दोस्तों वो मेन रूप से हमारे दो तरह के होते हैं जो हमारे UGC नेट के अंदर आते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग आते हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और भी काफ़ी तरह के आर्ग्यूमेंट हैं, वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये पढ़ सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब यही होता है दोस्तों, ऐसा कोई तथ्य, ऐसी कोई बात जिससे हम किसी दूसरे को कन्विंस करके, ऐसे ऐसे बात बता के अगले को, ऐसे तथ्य दे के जिससे अगला राजी हो जाए हमारी बात मानने को, तो उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आसानी से इसे पढ़ लेना। और अब बात आती है जैसे कि सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा डिडक्टिव रीजनिंग आता है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सामान्य सत्य से तर्क द्वारा अज्ञात सत्य को प्रमाणित किया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ हमें पता होती है, पहले कोई चीज़ पता होती है और उसके द्वारा कोई ऐसी चीज़ का पता लगाया जाता है जो हमें ना पता हो, अननोन हो, यानी कि अननोन चीज़ का पता लगाया जाता है, नॉन चीज़ से अननोन चीज़ का पता लगाया जाता है। प्राय ज्ञात सत्यों के आधार पर, ज्ञात का मतलब होता है जो चीज़ हमें पता है, ज्ञात सत्यों के आधार पर अज्ञात सत्य का निगमन होता है। रीजनिंग फ्रॉम नॉन टू अननोन, ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नॉन टू अननोन जो होता है वो डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर होता है। और भी कई चीज़ें इसके अंदर वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए सभी मनुष्य नश्वर है, मोहन मनुष्य है, और ये इन्होंने दो तर्क दे दिए। अब तीसरा है कि अतः मोहन नश्वर है, ये क्या है कि ये इन्होंने निष्कर्ष दिया, ये इन्होंने तर्क दिए। सभी मनुष्य नश्वर है, मोहन मनुष्य है, अतः मोहन एक नश्वर है। ये देखिए ये चीज़ हमें पता थी और ये चीज़ हमने नई खोजी है भाई, अतः यानी कि लास्ट में जो मोहन है वो नश्वर है। इस तरीके से हम इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो करते हैं।
और जो इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो मैं बताऊं। और इससे पहले हमें एक उदाहरण देख लेना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, आधार वाक्य किसे कहते हैं, ये होते हैं हमारे आधार वाक्य। आपने देखे होंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कि सभी कुत्ते सतनधारी है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये हमारे आधार वाक्य है। और इन्हीं आधार वाक्यों के आधार पर हमें इनमें से निष्कर्ष निकालना पड़ता है, इनमें से कौन सा सही है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि आधार वाक्य कौन से होते हैं और निष्कर्ष कौन सा होता है। अब देखिए, अब इसमें जो हमारा डिडक्टिव रीजनिंग है, इसमें हमें दो से तीन बातें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, निष्कर्ष आधार में निहित किसी भी वस्तु से अधिक का दावा नहीं करता। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये कह रहा है कि निष्कर्ष यानी कि जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा, इसमें से हमें एक चूज करना है, एक सेलेक्ट करना है, इसमें से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो इसमें से ही निकलेगा, इसमें से फालतू कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं निकलेगा। यानी कि जो भी हमारा निष्कर्ष है दोस्तों, वो क्या है कि वो आधार में निहित किसी भी वस्तु से अधिक का दावा नहीं कर सकता। समझ में आई बात? चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट के अंदर हमें जो भी प्राप्त होगा वो इसी के आधार पे होगा, इससे फालतू हम रिजल्ट के अंदर कुछ नहीं दे सकते। सबसे पहली बात, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं, निष्कर्ष अंतिम रूप से आधार आधारों द्वारा पुष्ट होता है। ये बात भी इसी से जुड़ी हुई है कि जो हमारा निष्कर्ष होता है दोस्तों, वो इसी पे डिपेंड करता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है तभी हम यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कुछ अच्छे तरीके से नहीं पता है कि आधार वाक्य में क्या दिया है, आधार वाक्य अगर इनकम्प्लीट है तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। और इसके बाद में ये भी है कि निष्कर्ष अंततः आधारिकाओं से निकलता है, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट है वो केवल और केवल हमारा जो आधार वाक्य है, यहाँ पे ये जो दिए हैं इन्हीं से हमारा निकलता है। तो ये तीन जो बातें दोस्तों हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया कि आधार वाक्य क्या होते हैं और निष्कर्ष क्या होते हैं। अब डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर दोस्तों पांच और मुख्य बातें हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्हीं के बेस पे हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो वो देखिए, हम पांच बातें कौन सी है वो देखते हैं। और ये दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पांच बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, अगर आपको नेट क्वालिफाई नहीं करना है तो आप ये वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। चलिए ये बातें देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात इसके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर ये आती है, एक सही आधार वाक्य, एक गलत आधार वाक्य और एक गलत निष्कर्ष वाला तर्क वैध हो सकता है। अब देखिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आधार वाक्य, देखिए आधार वाक्य सबसे पहले हम देख लेते हैं। आधार वाक्य होते दोस्तों हमारे पास दो होते, ए और बी हमारे पास होता है, और एक उसमें से निष्कर्ष निकलता है, यानी कि दो आधार वाक्य और एक निष्कर्ष, टोटल तीन चीज़ें हमारे पास होती है। अब देखिए इसके अंदर एक सही आधार वाक्य और एक गलत आधार वाक्य हो तो उसका जो निष्कर्ष निकले वो गलत हो सकता है, तो ये क्या होगी, हमारी वैलिड चीज़ होगी, यानी कि वैध तर्क हमारा होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? यानी कि दोबारा फिर समझा देता हूँ कि ए हमारी चीज़ सही हो, बी हमारी गलत हो, तो जो हमारा निष्कर्ष है दोस्तों वो गलत निकल सकता है, तो ये जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते दूसरी दो नंबर पे बात। अब देखिए, अगर हमारा एक सही आधार वाक्य हो और दूसरा गलत हो, ये बात हमने देखी, ये इसमें देखी कि एक सही और एक गलत हो तो हमारा क्या होगा, निष्कर्ष गलत होगा। लेकिन अगर एक सही और एक गलत हो तो निष्कर्ष जो है हमारा सही भी हो सकता है। ये चीज़ आप देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली है कि अगर एक आधार वाक्य सही है, दूसरा गलत है, तो निष्कर्ष है वो गलत भी हो सकता है और निष्कर्ष है वो सही भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं, तो ये भी क्या होगा, हमारा वैलिड होगा। चलिए मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर हमारा ए सही है और बी जो है गलत है, तो जो हमारा निष्कर्ष है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो अगर सही होगा तो भी हमारा वैलिड है, और अगर गलत होगा निष्कर्ष तो भी हमारा आर्ग्यूमेंट वो सही है, उसे हम वैध कहेंगे। ठीक है, ये दो बात आपको समझ में आई। अब तीसरी बात देखते हैं। देखिए दो सही आधार वाक्य और एक सही निष्कर्ष वाला तर्क वैलिड होगा,
यानी कि जो दो हमारे आधार है, जो ए और बी मैंने बताया था, ए भी सही है और बी भी सही है, और जो निष्कर्ष है वो भी हमारा सही निकल रहा है। ये दोस्तों सही आएगा, रॉन्ग गलत लिख दिया। जो निष्कर्ष है वो भी हमारा राइट है, तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हमारा वैलिड होगा। यानी कि अगर हमारी तीनों की तीनों चीज़ें सही आ जाए, ये भी ये भी ये भी, तीनों की चीज़ें सही आ जाए तीनों की तीनों, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो भी वैलिड होगा। ठीक है, अब हम अगली चीज़ देखते हैं। अगर हमारे तीनों की तीनों चीज़ें गलत हो, ए भी गलत हो, बी भी गलत हो, और निष्कर्ष भी हमारा गलत निकले, तो हमारा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट वो भी वैलिड होगा। ठीक है, अब अगली चीज़ देखते हैं जो सबसे लास्ट में आती है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अब देखिए नंबर 5 पे क्या आता है कि आधार वाक्य ए हमारा सही है, बी भी हमारा सही है, और लेकिन निष्कर्ष है वो गलत निकल जाए, तो ये क्या होगा, अवैध यानी कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट इसे कहेंगे। देखिए इसे मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, नंबर 5 का मतलब क्या है। यानी कि आधार वाक्य है, हमारे पास कोई दो तर्क दिए गए, तर्क ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन जो निष्कर्ष निकले वो हमारा गलत निकले, तो ये जो आर्ग्यूमेंट होगा दोस्तों ये हमारा गलत होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और इन्हीं के बेस पे हमारे क्वेश्चन बने हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उनसे आप बिल्कुल सही आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जून 2013 के अंदर आया था। इन्होंने कहा है कि निगमनात्मक तर्क मान्य नहीं हो सकता। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मान्य नहीं हो सकता, हमें क्या बताना है, इनवैलिड बताना है दोस्तों, इनवैलिड बताना है। तो इनवैलिड देखते इसमें से कौन सा होगा, यदि इसके आधार वाक्य सही है और निष्कर्ष सही है। अब देखिए अभी हमने बात की कि आधार वाक्य ए और बी दोनों सही है और निष्कर्ष भी सही है, तो ये क्या होगा, हमारा वैलिड होगा, ये बिल्कुल सही बात होगी। अगला देखते बी, यदि इसका इसके आधार वाक्य सही है और निष्कर्ष गलत है। अब ये देखिए दोस्तों ये बात आ गई, यानी कि इसके अगर जो आधार वाक्य ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन निष्कर्ष अगर गलत निकल जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो जो आर्ग्यूमेंट होगा ये मान्य नहीं होगा, अवैध होगा, गलत होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें ये दिसंबर 2015 में आया था। एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है, यानी कि इसमें भी इन्होंने इनवैलिड की बात पूछी है कि कौन सा इनवैलिड डिडक्टिव रीजनिंग होगा। अब देखिए इसमें कहा है कि इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य हैं। अब ये देखिए इसने कहा कि सभी असत्य है, आधार वाक्य और निष्कर्ष, आधार वाक्य ए भी गलत है, बी भी गलत है, और निष्कर्ष भी गलत निकले, तो ये चीज़ तो हमारी बिल्कुल सही है, इसे तो हम वैध कहेंगे। यानी कि सारी चीज़ें गलत है, तो गलत का तो गलत ही रिजल्ट निकलेगा, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है, अवैध यानी कि इनवैलिड चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। अब आगे है, इसके आधार वाक्य सत्य परंतु निष्कर्ष असत्य। अब ये देखिए दोस्तों इसने कहा है कि आधार वाक्य सत्य हो, यानी कि मैं समझा रहा हूँ आपको कि आधार वाक्य ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन जो निष्कर्ष है वो गलत निकल जाए, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये इसे हम वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं कहेंगे, ये हमारा क्या होगा, इनवैलिड हो गया, यानी कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवैध तर्क कहेंगे, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं, और यही बात हमने इसके अंदर की थी। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा और ये जो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया, यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि निगमनात्मक तर्क अवैध होता है और यहाँ पे मान्य नहीं हो सकता, बात एक ही है दोस्तों, समझने की ज़रूरत है, बस घुमा रखा है। और आगे दोस्तों, आगे हमारा जुलाई 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है, उस कूट का चयन कीजिए जो आधार वाक्य वाले निगमनात्मक तर्क के प्रसंग में सही नहीं है। यहाँ पे क्या बताना है कि सही नहीं है, वो हमें बताना है दोस्तों क्या सही नहीं है। अब ये देखिए दोस्तों, ये भी क्या कर रहे हैं यूजीसी वाले, ये देखिए दोस्तों इसमें भी ये ऑप्शन नंबर 2 देखिए दोस्तों, इस दो सही आधार वाक्य और एक गलत निष्कर्ष वाला तर्क अवैध हो सकता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें देखते हैं हम, एक सही आधार वाक्य, एक गलत आधार वाक्य और एक गलत निष्कर्ष वाला तर्क वैध हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने देखी थी कि ए सही है, बी अगर गलत है
तो जो हमारा निष्कर्ष है वो दोस्तों सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दोनों कंडीशन के अंदर हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो राइट होगा, वैलिड होगा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप भूलो मत। ये देखिए, ये जो हमारी ए है ये, और ये जो बी है, ये हमने चीज़ देखी थी, ठीक है। ये आप पढ़ लेना दोबारा। और अब देखते हैं जैसे अगला जो ऑप्शन है इसके अंदर। और आप सबसे पहले एक चीज़ देखना कि हमें क्या पता करना है, सही पता करना है या गलत पता करना है। सही नहीं है, इनवैलिड हमें पता करना है। अब देखिए, अब इसमें आप खुद बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मैं कोई आंसर नहीं बता रहा, क्वेश्चन नंबर 33 का क्या आंसर होगा, जुलाई 2016 का, इसमें है सही आंसर इसका क्या आएगा, वो सभी के सभी दोस्त हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना। और इसका जो जवाब है ना दोस्तों, जवाब इसी के अंदर है, इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो है ना इनके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और आपको ये बताना है, देखिए इसके अंदर हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों, इसमें हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से सभी के सभी क्वेश्चन एक बार फिर से करवाएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब आता है दोस्तों हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आगमनात्मक तर्क आता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु या प्रक्रिया में जो वस्तु या परिणाम मिलते हैं उसका निरीक्षण किया जाता है, और इस तरह अनेक समान वस्तुओं और प्रक्रियाओं में से विशेष तत्वों के आधार पर सामान्य सिद्धांत बनाए जाते हैं। देखिए मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए आगमनात्मक तर्क के अंदर, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेते हैं और उनको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद में कोई हम सिद्धांत बनाते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हम मान के चलिए एक अलमीरा के अंदर गए, तो उसके अंदर जैसे हमने पहली बुक निकाली वो मैथ की निकली, दूसरी बुक निकाली वो भी मैथ की निकली, तीसरी बुक निकाली वो भी मैथ की निकली, हमने 10 बुक निकाली, 10 की 10 जो बुक है वो हमारी मैथ की निकली। तो उससे हमारा क्या मतलब निकला भाई, इस अलमीरा के अंदर जितनी भी बुक्स पड़ी है वो हमारी क्या है, मैथ की बुक पड़ी है। उससे हम एक सिद्धांत, हमारा सिद्धांत तो नहीं कहेंगे लेकिन एक राय हमारी बन गई भाई, इस अलमारी में जो, इस ब्लैक अलमारी में जितनी भी बुक पड़ी है वो हमारी मैथ की बुक पड़ी है, क्योंकि हमने 10 बुक निकाली कंटिन्यू, 10 की 10 जो बुक है हमारी मैथ की बुक निकली। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से जो हमें प्रक्रिया से जो हमें निष्कर्ष निकलता है, जो राय हमारी बनती है, उसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में जो अंतर है वो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें जो दो मुख्य रूप से बातें ध्यान रखने वाली है वो ये है, निगमनात्मक पद्धति में सामान्य सिद्धांतों से, डिडक्टिव रीजनिंग में जो मुख्य बात ध्यान रखने वाली है वो ये है दोस्तों, इसमें सामान्य सिद्धांतों से विशेष तथ्य की ओर जाया जाता है, सामान्य से विशेष की ओर जाया जाता है। लेकिन आगमनात्मक में दोस्तों क्या होता है, विशेष गुणों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो ये जो मेजर चीज़ है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखने वाली है, और भी इसमें कई बातें वो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और दोस्तों इवनिंग की जो वीडियो होगी हमारी वो आप बिल्कुल देखना, उसके अंदर हम सभी क्वेश्चन करवाएंगे, इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन करवाएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।